हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप नीड। दिस इज़ योर चैताली मैम। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, दैट इज़ अबाउट दी सेल, ठीक है, जहाँ पर हमने गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें क्या क्या पता चलेगा और साथ साथ में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो हम देखने वाले हैं। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि इस चैप्टर को मैंने तीन पोर्शन में डिवाइड किया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाती हूँ कि अगर जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, जितना ज़्यादा दी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव या एब्सोल्यूट वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा टेंडेंसी होगी फॉर सेल्फ रिडक्शन, या फिर उतना ही ज़्यादा वो एक्ट करेगा किसके जैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे। और जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर होगा सेल्फ ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी, और उतना ही ज़्यादा वो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे। बस इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है क्या, अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ इज़ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है जहाँ पर हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है विद अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, कैसे भी कर सकते हैं, बट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसको लेते हैं, IUPAC ने हमेशा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कंसिडर किया है, दी रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड कहीं पर आ जाता है तो हम क्या लगाते हैं, नॉट। और क्योंकि IUPAC ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल को मेंशन किया है, इसीलिए हम ये जो सीरीज़ है इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर हम उसको अरेंज करते हैं। तो एक सबसे पहला एक चीज़ जो यहाँ पर अरेंजमेंट है, तो अब जनरली अगर हम बात करें केमिकल पीरियोडिसिटी में, आपने पढ़ा होगा कि डाउन द ग्रुप अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की और मेटल्स की, नॉन मेटल में बात करते हैं जैसे हेलोजन में ले लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हम कहते हैं रिएक्टिविटी नॉन मेटल की डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होती है। क्यों इंक्रीज़ होती है, क्योंकि उनकी टेंडेंसी है साइज़ बड़ा हो जाता है, साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है वहाँ पर। और यहाँ पर हेलोजन्स की या नॉन मेटल की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होती है उनकी रिएक्टिविटी। वहीं पर अगर आप अल्कली मेटल्स की बात करें, लीथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों, लीथियम मोस्ट रिएक्टिव, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, सोडियम का साइज छोटा है, ईजिली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वहीं पर ही हमारा जो सीशियम है वहाँ पर ईजिली इलेक्ट्रॉन तो दे सकता है पर उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो आप दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो हेलोजन की रिएक्टिविटी, तो कहीं पर आपको याद होगा जब हमने केमिकल पीरियोडिसिटी पढ़ी थी तब रिएक्टिविटी भी पढ़ी थी, और रिएक्टिविटी हम ये कहते हैं कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में रिएक्टिविटी कहाँ ज़्यादा होती है, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। लेफ्ट साइड पर हमारे लिए कौन से हैं, मेटल्स हैं, लेफ्ट साइड पर हमारे लिए मेटल्स हैं सारे, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो उनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है। और लेफ्ट साइड पे आता है हमारा नोबल गैसेस या नॉन मेटल्स, हेलोजन्स जो हैं बेसिकली गैसेस जो हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बेसिकली हमने क्या बोला, अरेंज किया है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में विथ रिस्पेक्ट टू रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको कभी भी उसकी वैल्यूज़ याद नहीं करनी है, ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो पोटेंशियल मेंशन है उनकी वैल्यूज़ आपको याद नहीं करनी है, पर आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उस सीरीज़ का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो उसके लिए एक निमोनिक है, यहाँ पर मैंने एक निमोनिक लिखा है, हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, लीथियम से, लीथियम है तो यहाँ पर लीथियम का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो फ्लोरीन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो इसका मतलब अगर हम मैं इसमें पूछूं तो क्या आप ये कह सकते हो कि फ्लोरीन का रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है,
क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। और वहीं पर लिथियम की बात करें तो इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो मेटल हमेशा Li+ क्या हो गया, लिथियम हमेशा Li+ ही बनाएगा ना, लिथियम 2+ बनाएगा, लिथियम प्लस बनाएगा, रिड्यूस तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे बनती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब यहाँ पर जो हमारा निमोनिक है, सबसे पहले मैं वो बता रही हूँ क्या है, लाइक करीना, लाइक फॉर लिथियम, करीना पोटेशियम, लाइक करीना कैन नॉट मेमोराइज ऑल जूलॉजी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक सेंटेंस है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, लाइक करीना कैन नॉट मेमोराइज ऑल जूलॉजी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो लाइक लिथियम के लिए, करीना पोटेशियम के लिए, कैन कैल्शियम के लिए, नॉट फॉर सोडियम, मेमोराइज मैग्नीशियम, ऑल एल्यूमिनियम के लिए, जूलॉजी जिंक एंड इम्पॉर्टेंट आयरन कॉन्सेप्ट मतलब कोबाल्ट। फिर आता है नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो हो गया एक सेंटेंस। फिर आता है नो स्टूडेंट हैज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, नो स्टूडेंट हैज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किस पर, ऑन सिल्वर एंड मर्क्यूरी बिकॉज केमिस्ट्री ओवरफ्लोज। तो ये तो आप लोग हमेशा कहते हो, दिस इज़ योर कंप्लेन ना, यही तो हमने निमोनिक में डाल दिया क्या, कि नो स्टूडेंट हैज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन सिल्वर एंड मर्क्यूरी, यहाँ पर आप ऑन लगा सकते हो, ऑन सिल्वर एंड मर्क्यूरी बिकॉज केमिस्ट्री ओवरफ्लोज, ठीक है। नो फॉर निकल, स्टूडेंट फॉर टिन हैज़ हाइड्रोजन, कंप्लीट फॉर कॉपर इन्फॉर्मेशन आयोडीन, सिल्वर सिल्वर के लिए ही है, मर्क्यूरी HG बिकॉज ब्रोमीन, केमिस्ट्री क्लोरीन ओवर ऑक्सीजन और फ्लोस फॉर फ्लोरीन। तो ये तो मैंने आपको बता दिया निमोनिक की कैसे याद करना है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें क्या बता रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर एक हमारा बीच का बंदर होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या है, हमने लास्ट में पढ़ा था कि हाइड्रोजन का SHE का E0 हमेशा ज़ीरो होता है, वो कैथोड की तरह एक्ट करे या एनोड की तरह। तो इसका मतलब हाइड्रोजन एक हमारा स्टैंडर्ड है बीच में, जिसका पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो। अगर हाइड्रोजन से आप ऊपर की तरफ जाओगे, तो जैसे ही हम हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता जा रहा है, नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, यही तो हमने लिखा था ना यहाँ पर, ये देखो हमने यही लिखा है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर हैं उनके पास ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, पर हाइड्रोजन से जो नीचे है उनके पास रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। अब इसका एप्लीकेशन देखो कि क्या कंक्लूजन मिलता है हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो सबसे पहला आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय मेटल, क्या कोई मेटल किसी भी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है कि, डिस्प्लेस तो सभी को पता है क्या, किसी भी कंपाउंड को एक जगह से दूसरी जगह से हटाना और उस एलिमेंट को रिप्लेस कर देना, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहला देखो जिंक और कॉपर, है ना, जिंक और कॉपर, यहाँ पर आपको कभी भी चेक करना है तो आप क्या करेंगे, पहले तो देखो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। जिंक यहाँ पर ज़ीरो में है और यहाँ पर +2 स्टेट में, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर +2 से ज़ीरो में जा रहा है, इसका मतलब कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो हम कैसे देखेंगे, हम जाएंगे वापस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, क्या हम क्या देखेंगे, जिंक और कॉपर कहाँ है, जिंक कहाँ है ये रहा और कॉपर कहाँ है ये रहा। इसका मतलब जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा और कॉपर का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, तो जिसका पॉजिटिव उसका रिडक्शन होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये वाली जो रिएक्शन है ये फीजिबल है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। देखो वापस जिंक का पोटेंशियल नेगेटिव है इसीलिए वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, देखो सिल्वर Ag और कॉपर का पूछा है, Ag और कॉपर की ये रिएक्शन हो सकती है या नहीं, ठीक है। वापस सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ज़ीरो है ये जा रहा है +1 में, ठीक है, +2 है और +2 से जा रहा है ज़ीरो में, ठीक है।
अब चेक करते हैं, यहाँ पर सिल्वर का हो रहा है ऑक्सीडेशन और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। चेक करो अब सिल्वर और कॉपर कहाँ कहाँ पर है। सिल्वर कॉपर के नीचे है, सिल्वर कॉपर के नीचे है, इसका मतलब इसकी मोर पॉजिटिव वैल्यू होगी, और ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी, और ज़्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो हम रिएक्शन देख रहे हैं इसमें तो सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, सिल्वर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, सिल्वर की टेंडेंसी क्या होगी, रिड्यूस होने की। अब सिल्वर ऑक्सीडाइज कब हो सकता है, जब उससे ज़्यादा पोटेंशियल वाला, या तो मर्क्यूरी अगर हम वहाँ पर लगा दें, मर्क्यूरी सल्फेट, कॉपर की जगह अगर मैं मर्क्यूरी रख देती तो सिल्वर वहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाता, ठीक है। वैसा ही सेम देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल बाय नॉन मेटल, तो हमने मेटल के टर्म्स में क्या देखा कि जो हायर पोजीशन पर है वो ऑक्सीडाइज होगा, और जो रिएक्टिविटी सीरीज में लोअर पोजीशन पे है वो रिड्यूस होगा। तो अगर इसको आपको लिखना है तो क्या होगा, हायर वाला, हायर पोजीशन वाला ऑक्सीडाइज होगा और लोअर पोजीशन वाला रिड्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल की बात कर रहे हैं हम, के बी आर विथ सी एल टू, इसका मतलब नॉन मेटल क्या है, ब्रोमीन क्लोरीन की बात कर रहे हैं। ब्रोमीन यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, माइनस वन से ज़ीरो में जा रहा है और ये ज़ीरो से माइनस वन में जा रहा है, इसका मतलब ब्रोमीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्लोरीन का हो रहा है हमारा रिडक्शन। अब वापस आते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, अब चेक करते हैं ब्रोमीन और क्लोरीन कहाँ पर है। ये है ब्रोमीन और ये है हमारा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन नीचे है, क्लोरीन नीचे है तो क्या उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्लोरीन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और यहाँ पर क्लोरीन रिड्यूस ही हो रहा है, ज़ीरो से माइनस वन में जा रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी हो सकती है। पर वहीं पर ब्रोमीन आयोडीन को आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि आयोडीन कहाँ है, ऊपर, ब्रोमीन से ऊपर है, इसका मतलब ब्रोमीन रिड्यूस होगा, ब्रोमीन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता आयोडीन की प्रेजेंस में, तो ये वाली रिएक्शन हमारी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वैसा ही सेम होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 फ्रॉम H2O बाय मेटल, तो कोई भी मेटल वाटर से H2O कब निकाल सकता है भाई, H2O में यहाँ पर वाटर किस स्टेट में है, हाइड्रोजन किस स्टेट में है, माइनस वन प्लस वन और यहाँ पर ज़ीरो है, इसका मतलब H2O से अगर मुझे वाटर निकालना है, H2O से मुझे हाइड्रोजन निकालना है तो उसका मुझे करना पड़ेगा रिडक्शन, और रिडक्शन कब पॉसिबल है, किसी भी मेटल का रिडक्शन कब पॉसिबल है, जब आप हाइड्रोजन से नीचे वाले अगर आप एलिमेंट लोगे, मेटल्स लोगे, या फिर हाइड्रोजन का रिडक्शन करना है इसका मतलब बाकी मेटल्स का ऑक्सीडेशन करना होना चाहिए, बाकी मेटल्स का ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर मेटल्स हैं वो सारे मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। और वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर भी होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम एसिड, H प्लस आयन मतलब क्या हो गया, एसिड में क्या था, ये कोई प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है और हाइड्रोजन से H ज़ीरो में जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसे मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो ही डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। जैसे जिंक और कॉपर की बात करें तो हाइड्रोजन देखो कहाँ है, अगर आप हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन यहाँ है सेंटर में, अब हमें जिंक देखना है तो जिंक है ऊपर और कॉपर है हाइड्रोजन के नीचे, तो कॉपर रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, वहीं पर जिंक क्या है, ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसीलिए जिंक हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन फीजिबल है और ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें जो कंक्लूजन मिलता है वो है। अब नेक्स्ट आते हैं वेराइटी की, कैसे वेरिएशन होता है इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम पढ़ते हैं किससे, नर्स्ट इक्वेशन से। तो नर्स्ट इक्वेशन, इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो पोटेंशियल है वो हम कैसे कंसंट्रेशन से निकाल सकते हैं,
प्रेशर के टर्म्स में, इक्विलिब्रियम के टर्म्स में, या गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं, बस उनकी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, क्या ये तो आपको पता होगा, क्या लिखते हैं हम, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, फिर आगे 0.059 अपॉन n, और फिर 1 अपॉन mn प्लस। अब हमने सिर्फ mn प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये वाला जो है ये तो सॉलिड है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, तो ये जो रिएक्शन है ये हाफ रिएक्शन हमें रिडक्शन बता रही है, mn प्लस से m में जा रहा है, और क्योंकि ये सॉलिड में प्रेजेंट है और इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम जब भी लिखते हैं तब सॉलिड्स को नहीं लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको आयंस कंसिडर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कंसंट्रेशन पूछूँ तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में आप क्या लिखेंगे, ई एम एन प्लस या ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब ई सेल और ई नॉट सेल में क्या डिफरेंस है, ई नॉट हमारा स्टैंडर्ड है, जो एक्चुअल स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका पोटेंशियल होना चाहिए वो है, और ये जो हमें निकालना है, हम जैसे ही कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे तो जो पोटेंशियल हमें निकालना है ये वो वाला है, तो दिस हम इसको लिखते हैं ई सेल और दिस इज ई नॉट सेल। ठीक है, यहाँ पर F की वैल्यू है फेराडेज कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं 96500, इसकी वैल्यू है, तो जनरली आपसे क्वेश्चन में यही वाला फॉर्मूला पूछा जाता है 0.059। फिर अगर हमारे पास दो रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आ रहे हैं जो दोनों ही आयंस बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम जैसे लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वैसे ही लिखना है। फिर देखो ये भी सेम वही है जैसे हम इक्विलिब्रियम में लिखते थे। उसके बाद अगर कोई गैसेस आ जाती है तो वहाँ पर आप पार्शियल प्रेशर यूज़ करते हो, तो गैसेस के टर्म्स में कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, तो जैसे आप कंसंट्रेशन में लिख रहे थे वैसे ही पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। देखो फॉर्मूला कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, ये पूरा सेम है, 0.059 0.059, ये सब कुछ सेम है। उसके बाद अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ये क्या है, लॉग के ई क्यू, हम क्या इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट याद रखनी है कि कहीं पर भी इक्विलिब्रियम आ जाए तो ई सेल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ई सेल है ना, ई नॉट सेल नहीं, ई सेल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये जो हम यहाँ पर लिख रहे थे Mn प्लस Mn या E सेल, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में लिखें तो यहाँ पर होगा डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस Nf E नॉट सेल। ठीक है, अब देखो अगर हमारा इलेक्ट्रोड E नॉट सेल पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, डेल्टा G नॉट की वैल्यू हो गई नेगेटिव ही आएगी, क्यों, क्योंकि आगे माइनस साइन है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस है ना, हमने पढ़ा है गिब्स फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव आती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, पर अगर यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ जाती है, अगर ई नॉट सेल हमारा नेगेटिव हो गया तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और वो रिएक्शन हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो बेसिकली इसी के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं हम कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला देखो असर्शन रीजन 2023 का क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन 2022 में तीन क्वेश्चन आए हैं ऑन दी सेम टॉपिक, इसी से पूछा गया है। ठीक है, यहाँ देखो असर्शन है इन इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, सो वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स, क्या ये बात सही है। फिर दूसरा पूछा है रीजन ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा आर जी या जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इनटेंसिव का मतलब इंडिपेंडेंट, कहीं पर भी इंटेंसिव लिखा है तो इंडिपेंडेंट, किसके इंडिपेंडेंट, मास के इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और डेल्टा जी किसका होगा, एक्सटेंसिव मतलब मास डिपेंडेंट। ठीक है, अब बहुत आराम से समझना इस चीज़ को, क्या यह सही है, इस इक्वेशन से तो हमें पता चल रहा है कि डेल्टा जी एन के इक्वली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो हमें पता चल गया, इसका मतलब ये तो करेक्ट है।
दूसरा रीजन देखो, ई सेल। अब मुझे बताओ, अगर मैं एक रॉड मोटी सी लेती हूँ, एक रॉड है मेरे पास मोटी सी और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एक रॉड या एक वायर जो बहुत पतला सा है, जो हमारे पास सेम मेटल है, मेरे पास एक मेटल ये जिंक रॉड है और ये जिंक वायर है, क्या उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा क्या? दोनों ही सेम मटेरियल है तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं ई सेल हमारी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और डेल्टा जी एक्सटेंसिव है। डेल्टा जी हमें क्या बताता है? स्पॉन्टेनियस। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है। क्या रीज़न एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो हाँ, यही तो रीज़न है कि क्योंकि डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड कर रही है, मोल्स पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, दो हाफ सेल रिएक्शन है। अब पूछा है विल पर मैंगनेट आयन MnO4 ऑक्सीजन लिबरेट कर पाएगा या नहीं। ठीक है, फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। ठीक, अब यहाँ पर हम इक्वेशन को देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले इक्वेशन आ जाए तो आपको क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंगनीज यहाँ +7 में है, +2 में जा रहा है, इसका मतलब ये कहाँ हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। पर यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल किसका गिवन है? Mn2+ से +7 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, तो हमें क्या चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब MnO4- से Mn2+ वाला। तो हम क्या करेंगे? इसको रिवर्स कर देंगे और साइन हमारा ऑपोजिट हो जाएगा, तो 1.510। ठीक है, फिर देखो O2 से H2O में जा रहा है, तो O2 ज़ीरो है, ये -2 है, इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन ही हो रहा है। तो ये आप देखते हो कि E₀O₂/H₂O ये सेम है और ये 1.223 रहेगा। अब कंपेयर करो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। क्या MnO4 का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? अगर वो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब क्या वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है ना, तो इसका मतलब H2O में से अगर हम रिएक्शन रिवर्स कर दें, अगर हम इसकी रिएक्शन रिवर्स कर दें H2O में से H+ और साथ में हाफ O2 रिलीज हो सकता है ना, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन था। अगर हम रिएक्शन रिवर्स कर दें तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका मतलब MnO4 हमारा क्या करेगा? MnO4 एक्ट करेगा रिडक्शन के जैसे, और रिडक्शन कहाँ होता है? रेड कैट कैथोड पर, वहीं पर H2O का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? एनोड पर। अब पूछा है क्या ये ऑक्सीडाइज कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो ऑब्वियसली कर सकता है, लिबरेट कर सकता है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो चले गए। फिर पूछा है कि ई नॉट सेल क्या होगा, तो ई नॉट सेल हम कैसे निकालते हैं? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ऑफ ई एनोड। कैथोड क्या है? MnO4। MnO4 का पोटेंशियल कितना है? 1.51। ठीक है, और एनोड का पोटेंशियल कितना है? 1.223। और दोनों ही हमारे रिडक्शन पोटेंशियल हैं, इसीलिए हमारा आंसर आएगा 0.287। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, एंड द पोटेंशियल विल बी प्लस ऑफ 0.287। फिर नेक्स्ट अगर मैं देखूं, पूछा है फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन। रिएक्शन में ऑलरेडी गिवन है निकल सिल्वर, निकल सिल्वर जा रहा है, ई नॉट सेल गिवन है 1.05 और आपको 2.303 की वैल्यू दे रखी है 0.059। इसका मतलब आपको पूछा क्या है? ई सेल पूछा है, ई नॉट सेल ऑलरेडी गिवन है और साथ साथ में -0.059/N और दूसरा लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको N आइडेंटिफाई करना है, तो N क्या होता है? यहाँ पर N इज द चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो निकल गया है 0 से +2 में जा रहा है और सिल्वर +1 से 0 में जा रहा है, तो इसका मतलब चेंज इन ओवरऑल चेंज दो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, मैक्सिमम चेंज हमारा दो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो N की वैल्यू आप रखेंगे 2।
अब बचता है हमारा कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन हम कैसे लिखेंगे भाई, लॉग है, और सबसे पहले हम लिखते हैं किसका, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, निकल Ni2+, तो ये हो जाएगा हमारा 0.01। ठीक है, प्रोडक्ट ये बन रहा है। और रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में हम ये लेंगे अगेन 0.001, पर क्योंकि आगे स्टोइचोमेट्री में 2 है तो आप यहाँ पर स्क्वायर लगाकर सॉल्व कर देंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये बेसिकली मैं एक तरीका बता रही हूँ कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगी, पर मैं आपको एक तरीका ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रेशर के टर्म्स में पूछा है, और पोटेंशियल हाइड्रोजन का हमें मेंटेन करना है किस पर, 0 पर। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ई नॉट सेल हमारा 0 है। ठीक है, और साथ साथ में ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो उसका भी पोटेंशियल 0 ही होता है। ठीक है, फिर गिवन है हमारे क्वेश्चन में कि ये प्योर वाटर है, तो हमें क्या चाहिए, हमें जब भी हम ई सेल निकालते हैं, ई सेल ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.059 अपॉन एन, और साथ साथ में लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं हमारे पास में, एन और सी। ई सेल तो हमें ऑलरेडी बोल दिया 0 है, तो ये वाली टर्म हमारे लिए 0 हो गई। अब एन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन यूज़ होता है हमेशा हर जगह, तो एन की वैल्यू हो गई 1। अब कॉन्सेंट्रेशन तो गिवन नहीं है, तो आप कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, तो फिर याद रखो प्योर वाटर है, प्योर वाटर का पीएच क्या होता है, 7। फिर मैंने शॉर्टकट बताया था कि अगर पीएच गिवन है तो कॉन्सेंट्रेशन आप कैसे लिख सकते हो, एक्स इंटू 10^-y के टर्म्स में, जैसे ही गिवन है तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा हमारा 10^-7, और इसको आप यहाँ पुट कर देंगे। फिर एक और चीज़ ध्यान रखना है क्या, कि क्योंकि यहाँ पर H2 से हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2H+ इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या, क्योंकि यहाँ पर हम 2H+ की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वेयर हो जाएगा, और साथ साथ में इलेक्ट्रॉन को अगर बैलेंस करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो N की वैल्यू विल बी 2। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करने में या नर्स्ड इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी सभी के साथ शेयर करो। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताएंगे कि आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।